मैम पूछ रहे हैं आप कितने एक्साइटेड हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि पसीना आ गया अपन एक्साइटमेंट सर। आज पोस्टर रिलीज हो रहा है एंड इट्स अ डिजिटल पोस्टर, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन सच एन इवेंट। इट्स एक्चुअली ग्रेट बिकॉज विद क्रिकेट वी आर क्रॉसिंग सो मेनी बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ जो जॉनर भी है, इट्स अ जॉनर ब्रेकर। तो काफी एक्साइटेड हूँ मैम। अरे मैम तानिया मैम आ गए, तानिया मैम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे बदल रहे हैं रंग, कैसे बदल रहे, एकदम से टारगेट मत करो यार। अच्छा मैं बताती हूँ, बेसिकली जैसे गिरगिट होता है उसके काफ़ी रंग होते हैं, वैसे ही हमारे अलग अलग रंग है जो आपको धीरे धीरे दिखेंगे। अब हम यहीं बोल देंगे तो आप क्या ही देखोगे, तो अभी ट्रेलर देख लो, फिर तो 27 को जब शो रिलीज होगा वो देख लो, फिर आप ही बताओ कि कितने कलर थे। मैं बहुत सीरियस एक्टर हूँ, मतलब वंस आई रीच सेट तो मैं तो एकदम अपने जोन में रहता हूँ। हम सबके लिए एक पॉजिटिव सेट पे एनवायरनमेंट रहे वो बहुत जरूरी था। तो हम सब इवन द डायरेक्टर द क्रिएटिव फ्रॉम ऑल्ट एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। सो यू नो शूटिंग इज एक्चुअली वेरी हेक्टिक, लाइक वी आर शूटिंग फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स, but if the environment is positive then yeah you bound to have great fun and that's what we intend to do every time. Yeah ma'am girgit mein main ranveer play kar raha hu to baki sab kaisa hai rangeen tarike ka insaan hai girgit hai aur ha matlab he loved deeply and his way of showing love is slightly different and twisted I think. वी ऑल डू, हम सारे बहुत ट्विस्टेड हैं। मैं माही प्ले करती हूँ गिरगिट में और बस ऐसा ही है, स्वीट सी हूँ बेचारी सी हूँ, ये दोनों परेशान करते रहते हैं मुझे और बाकी तो आप देख ही लेंगे। और कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे थे बस सर, कैरेक्टर इसलिए तो मेरी कास्टिंग हुई है। देख लिया ना आपने, बस यही इसी का ही एक बड़ा वर्जन आप देख लेंगे और बहुत कुछ, बहुत सारा सीक्रेट भी है। और इनसे मिलिए, मैं शामोली प्ले करती हूँ। हम दोनों एक्चुअली कॉन गर्ल्स हैं और मैं सबसे ज़्यादा मैन्युपुलेटिव हूँ, बट इन दी एंड बोल दिया था ये आर्टिकल में पहले तो हाँ, तो मैं मैन्युपुलेटिव बहुत हूँ पर इन दी एंड सभी गिरगिट हैं और कैसे बाहर निकल के आते हैं यू विल गेट टू सी दैट। एक बार ही स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई थिंक व्हेन यू सिट डाउन विद द कैरेक्टर और जब आप उसके बारे में उसे समझते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं, कैरेक्टर बनाना पड़ा था क्योंकि ऐसा है नहीं कि मैं वैसी हूँ, तो चैलेंजिंग नहीं था, बस उसको एक इम्बाइब करना था और उसको प्ले कर दिया था और उसके हिसाब से जीना था। चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैंने कभी भी जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ वैसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है स्क्रीन पे, हमेशा बहुत ही फ़नी बहुत ही आउटरेजियस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो इस बार पहली बारी मैंने कुछ सटल किया है, कुछ कंटेंट किया है, तो वो एक एक्टर जो एक थिएटर करने वाला एक्टर होता है उसको ये कुछ मत कर बोला तो टेंशन हो जाती है, तो मेरी वो टेंशन काफ़ी थी जैसे आपको पता चल रहा है, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी एक्टिंग बहुत ही डिफरेंट है, तो चैलेंज तो बहुत था, रोज़ रात को रोई हूँ कैसे करूँगी, पर हो गया। मतलब मेरी टीम इतनी अच्छी थी, मेरे को एक्टर्स इतने अच्छे थे, हमारी डायरेक्शन टीम इतनी अच्छी थी, हमारे प्रोडक्शन वाले इतने अच्छे थे कि बस हो गया। जी मैम मुझे ऐसा लगता है टू वेरी ऑनेस्ट सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं एंड सम इमोशंस वी हैव टू हाईलाइट फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के लिए दूसरा, सो आई ऑपरेट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल। और उसके अलावा आई थिंक चैलेंज तो यूनिट को हुआ होगा मुझे हैंडल करते करते सेट पे। आई हैड अ फन एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ज़्यादा काम करना आता नहीं है, जो मेहनत करना आता है वो कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बहुत मेहनत करता है ये लड़का, इतनी मेहनत करता है कि हमको टेंशन हो जाती है हम कम कर रहे हैं क्या। देखो बड़े प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, तो हमको लगता है कि आपको ये पसंद आएगा और प्लीज़ आपका प्यार उतना ही मिले, बहुत सारा मिले, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच ऑन द 27th ऑफ अक्टूबर ऑन MX प्लेयर एंड ऑल बालाजी विद ग्रेट लव गिरगिट। या बोल दिया आपने मैम, प्लीज़ वॉच आवर शो ऑन 27th एंड दैट्स अबाउट इट। अब यार दो इतनी हॉट लड़कियां बोल रही है, मान लो देख लो यार, आई मीन वॉच इट, इट्स अ जॉनर ब्रेकर एंड यू विल एंजॉय इट। और देखने के बाद आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगे, अगर कुछ ना भी लगे तो प्लीज़ शेयर इट प्रॉपर्ली, हो सकता है अगर सीज़न 2 हुआ तो हम वो चीज़ें इम्प्रूव करेंगे और जो पसंद आया उसको रखेंगे। Sure.